कटिहार बिहार का एक प्रचलित जिला है। वर्तमान समय का यह जिला पूर्णिया जिला का अंग था। पूर्णिया से कटिहार को 1976 ईस्वी में अलग होना पड़ा। जब कटिहार पूर्णिया जिला से मिला हुआ था तब इसकी स्थापना 14 फरवरी 1770 ईस्वी को की गई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के देखरेख में हुई थी। आजादी के बाद कटिहार में जबरदस्त बदलाव आया। शहर काफी क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और सीमांचल के सबसे प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन कटिहार जंक्शन को माना जाता है। शिक्षा क्षेत्र में कटिहार हमेशा अव्वल रहा है, लेकिन कटिहार जिला का ग्रामीण इलाका प्रकृति के प्रकोप से नहीं बच पाता है और हर साल बाढ़ कटिहार को तबाह कर देती है। लेकिन फिर भी कटिहार के लोग हमेशा हर क्षेत्र में अव्वल आते हैं। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की संख्या अनुपात लगभग बराबर है। यहाँ अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, लेकिन उनका अनुपात कम है। इस जिला के हिंदू और मुसलमान पूरे देश के लिए मिसाल बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ के हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कटिहार का मंगल बाजार पूरे सीमांचल के व्यापारियों के बीच प्रसिद्ध है। हर साल बाढ़ का पानी यहाँ के किसानों के लिए सौगात भी लाती है और यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ बना देती है। यहाँ का मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का, मखाना, सरसों है। यहाँ के किसान जूट की खेती भी जमकर करते हैं, क्योंकि इन्हें बेचने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कटिहार जिला में एक जूट की फैक्ट्री भी है। भारतीय इतिहास में कटिहार जिला का एक ऐतिहासिक स्थान रहा है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे और उन्होंने मनिहारी, जो कटिहार का एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पर मनी को खो दिया था, जिस वजह से वहाँ के स्थान को मनिहारी कहा जाता है। कटिहार पूर्णिया जिले का एक हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में 1813 ईस्वी के आसपास मालदा जिले के साथ गठित किया गया था। मुगल शासन के तहत सरकार ताजपुर, महानंदा के पूर्व एवं नदी के पश्चिम में सरकार पूर्णिया का गठन किया गया था। 12वीं शताब्दी के करीब बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार एवं बिहार के राजधानी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बिहार प्रांत मुस्लिम शासन के अंतर्गत आया। मुस्लिम शासन के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन इवाज ने क्षेत्र को विस्तार करते हुए संपूर्ण बिहार को शामिल किया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में कटिहार मुसलमानों के शासन में आया। कटिहार जिला सन 1700 ईस्वी में जब मोहम्मद अली खान पूर्णिया के गवर्नर थे, तब उन्होंने जिले को अंग्रेजों के हाथों में दे दिया था। सन 1872 ईस्वी में जिला को कलकत्ता राजस्व बोर्ड के अधीन बिहार और बनारस राजस्व बोर्ड के स्थानांतरित किया गया। अंग्रेजों के शासन काल की शुरुआत वर्ष में काफी हद तक कानून व्यवस्था स्थापित करने के राजस्व प्रशासन के अधीन करने के निर्देश दिए गए थे। महाजनपद के शासन काल में अंग और मगध के राजाओं ने कटिहार पर शासन किया। भारत भर में जब ब्रिटिश शासन को चुनौती दी गई, तब कटिहार आंदोलन में सबसे आगे थे। भारत को स्वतंत्रता के साथ साथ कटिहार के लोगों ने भी सभी भारतीयों के साथ
आजादी की सांस ली। तब कटिहार पूर्णिया जिला का एक अंग था, लेकिन 2 अक्टूबर 1973 को कटिहार जिला को एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। कटिहार में घूमने हेतु जगह कुछ इस प्रकार हैं। दुर्गा मंदिर कटिहार। इस मंदिर की मान्यता यह है, लोग जहां से भी अपनी मन्नत लेकर माता के दरबार पहुंचते हैं, माता उनकी मन्नत को पूरी करते हैं। इस मंदिर में शादी विवाह का कार्यक्रम भी कराया जाता है। इस मंदिर में कोई भी अगर अपनी मन्नत लेकर आता है तो माता उनकी मन्नत को पूरी करती हैं। माता के दर्शन के लिए भक्त बहुत ही दूर दूर से आते हैं। दशहरा के समय में यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन होता है और इस मेला में कटिहार के ग्रामीण इलाके से लोग यहाँ पर मेला देखने आते हैं। गुरु तेग बहादुर ऐतिहासिक गुरुद्वारा लक्ष्मीपुर। सिखों के नवमें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की याद में यह गुरुद्वारा बनाया गया था। लक्ष्मीपुर सिख बहुल्य गांव है। यहां प्रत्येक वर्ष गुरु तेग बहादुर जी की शहीद दिवस मनाया जाता है। पालदीबाड़ी गंगा नदी के समीप स्थित मनिहारी से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाल्दीबाड़ी गांव। इसी जगह पर मुर्शिदाबाद के नवाब सिराजुद्दौला और पूर्णिया के गवर्नर नवाब शौकत के बीच युद्ध हुआ था। गोगाबिल झील, यह एक खूबसूरत विशाल झील है। यहां पर आपको रंग बिरंगी की पक्षियां देखने को मिल सकती हैं। पूरे वर्ष पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर आती हैं और खास करके नवंबर से फरवरी के महीने में रूस से कुछ पक्षियां यहां पर आती हैं, जो राजहंस, लालसर इत्यादि पक्षी होती हैं। यह मनिहारी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मनिहारी कटिहार के दक्षिण से 25 किलोमीटर की दूरी पर मनिहारी तहसील स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह पर भगवान कृष्ण का मणि खो गया था, जिसे ढूंढते हुए वह इस जगह पर पहुंचे थे। इसी कारण इस जगह का नाम मनिहारी पड़ा है। फकी तारकिया मस्जिद। यह मस्जिद पूरे सीमांचल में प्रसिद्ध है। इस मस्जिद की मान्यता है कि यहाँ पे कोई भी अगर अपनी दुआ लेकर आएगा तो अल्लाह उनके दुआ को कबूल कर लेगा। कटिहार जंक्शन। कटिहार जंक्शन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप बिहार के किसी भी कोना में जा सकते हो। इस रेलवे स्टेशन से मुंबई, दिल्ली और भी बड़े बड़े शहरों के लिए ट्रेन जाती है। कटिहार जंक्शन पूरे बिहार के रेलवे स्टेशन में से सबसे साफ और स्वच्छ रेलवे स्टेशन माना जाता है। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज न्यूजेनेक्स लाइक करें। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल न्यूजेनेक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।